अब हम पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में। तो इसको समझने के लिए, फ्रस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम एक कोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमारा कोन है। अब अगर कोन को हम ऐसे कट दे रहे हैं, ऊपर से कट कर दे रहे हैं, कट के ऊपर वाला पार्ट निकाल दे रहे हैं, तो हमारे कोन की शेप इस तरह से हो जाएगी। इसी को हम फ्रस्टम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देना, जब हम कोन को कट करेंगे तो हमेशा जो नीचे, चूँकि कोन के नीचे जो बेस रहेगा वो हमारा सर्कल रहेगा, तो इस सर्कल, ये सर्कल हमारा प्लेन फिगर है, तो इस प्लेन के पैरेलल प्लेन में हम कट करेंगे। यानी जैसे ये पैरेलल रहेगा ठीक इसी के पैरेलल में, क्योंकि इसको जब हम कट करेंगे, अगर इसको हम ऊपर से कट करें तो बिल्कुल पैरेलल में, ये नहीं कि ऐसे तिरछा, थोड़ा सा भी तिरछा नहीं, बिल्कुल एकदम नीचे जो हमारा प्लेन रहेगा, सर्कल रहेगा, एकदम उसी के पैरेलल में हम उसको कट करेंगे। तो कट करने के बाद जो हमारा फिगर बचता है जो यहाँ पे, उसी फिगर को हम फ्रस्टम बोलते हैं। यहाँ पे देखें, ये इस टाइप का फिगर हमारा बचेगा, तो ये हमारा फ्रस्टम होता है। अब चूंकि हम कोन से बनाते हैं, जो कोन से फ्रस्टम हम बनाते हैं उसे हम फ्रस्टम ऑफ ए कोन बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ द कोन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल, जैसे हम कोई गिलास लेते हैं, जो जिसमें वाटर हम रखते हैं, पानी पीते हैं, गिलास हो गया, तो गिलास अगर इस शेप में, तो ये हमारा एक फ्रस्टम हो गया। तो फ्रस्टम का भी हमें सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना रहता है। तो इसका जो फार्मूला रहता है, जो तो सबसे पहले हम वॉल्यूम देखेंगे कि फ्रस्टम का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। इसको निकालने का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 pi h ब्रैकेट में r1² + r2² + r1 × r2। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये होता है क्या, जैसे हमारा ये फ्रस्टम है, तो अब इस फ्रस्टम में r1 r2 क्या है, R1 जो है, अब चूंकि फ्रस्टम में हमारे दो सर्कल हो गए, एक नीचे का और एक ऊपर का सर्कल हुआ। अब नीचे का सर्कल जो बिग सर्कल है, ऊपर का स्मॉल सर्कल है, तो जो हमारा बिग सर्कल है उसकी रेडियस को हम R1 से इंडिकेट किए हैं, और ऊपर का जो स्मॉल सर्कल है इसकी रेडियस को हम R2 से इंडिकेट किए हैं। ये हमारी R2 पार्ट हो गई और ये वाला R1 हो गया। तो बिग सर्कल की रेडियस को R1 से इंडिकेट यहाँ पे किया गया, और जो स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस को R2 से। और h हमारी जो है हाइट ऑफ द फ्रस्टम होती है, जैसे यह फ्रस्टम है तो इस फ्रस्टम की हाइट को हम एस से इंडिकेट करते हैं। तो इसके वैल्यूम निकालने का जो फार्मूला होता है, 1/3 pi h ब्रैकेट में r1² + r2² + r1 × r2। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद इस पे एरिया पे हम चलेंगे। तो अब फ्रस्टम में हम देखते हैं कि इसमें भी एक कर्व्ड सरफेस एरिया आता है और एक टोटल सरफेस एरिया आता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जो सिर्फ ऐसे घुमावकार है, जो उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो फ्रस्टम का हम देख रहे हैं कि दो सर्कल भी हमारे, एक नीचे सर्कल है, एक ऊपर सर्कल है। नीचे वाला हमारा बिग सर्कल है, ऊपर वाला हमारा स्मॉल सर्कल। यहाँ पे अगर हम इसको पलट कर देंगे तो नीचे वाला स्मॉल हो जाएगा, तो नीचे ऊपर कोई भी स्मॉल बिग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे हमारा बिग सर्कल है, ऊपर स्मॉल सर्कल है। तो इन दोनों सर्कल के एरिया को छोड़ के, जो सिर्फ ये गोलाई वाला जो गोला पार्ट है इसका, उसका जो एरिया होता है कर्व्ड वाले का, उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम इज इक्वल टू πr1 + r2 × l। ये हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। l क्या होता है, स्लेंट हाइट होती है, मीन्स तिरछी ऊंचाई होती है। जैसे यहाँ पर ये इसकी स्लेंट हाइट हो गई, ये भी स्लेंट हाइट हो गई, तो हर तरह से इक्वली रहती है। ये भी स्लेंट हाइट है ये हमारी, तो यही l होता है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम है। इसको लर्न करना बहुत इजी है CSA को, क्यों, क्योंकि जो हमारा अगर कोन होता है तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था, πr l। तो πr l से हम इसको भी लर्न कर सकते हैं, πr l। अब यहाँ पे r, यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएगा, r1 + r2, क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल बन गया, एक r1 एक r2। तो πr l से हम इसको भी लर्न कर सकते हैं कि πr l हमारे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, और CSA या फ्रस्टम जो होता है πr1 + r2 l। πr l दोनों में रहेगा, πr और l, लेकिन r1 + r2 इसमें हो जाएगा और उसमें ओनली r रहेगा कोण में। इसके बाद अब इसकी TSA की बात करेंगे। TSA मींस TSA ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि अब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम कैसे इसका निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया और इसमें दो सर्कल के एरिया हम ऐड कर देंगे, एक ऊपर सर्कल है, एक नीचे सर्कल है। दोनों सर्कल के एरिया को अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो वही हम करेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम πr1 + r2 + a × l। ये हमारा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब इसमें दो सर्कल का एरिया हम ऐड कर देंगे, एक नीचे सर्कल, एक ऊपर सर्कल है। नीचे सर्कल की रेडियस क्या, r1 है, और हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², लेकिन यहाँ पे रेडियस r1 है, तो सो वी कैन राइट एज πr1² फिर प्लस ऊपर के सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे, तो सर्कल का एरिया πr² होता है, तो यहाँ पे रेडियस r2 है, तो πr² ये हमारा क्या, TSA ऑफ फ्रस्टम है, टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम है, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम है, और ये वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ फ्रेस्टम है। ऐसे हम तीनों फार्मूले का यूज़ करके जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहेगा हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जो सिलेंट हाइट है उसे हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सिलेंट हाइट फाइंड करने का रूल ये होता है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। ये सिलेंट हाइट फाइंड करने का फार्मूला होता है।